गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जो है डेटा एनालिस्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो डेटा एनालिस्ट ये रोल बहुत सारे कंपनीज में आजकल ले रहे हैं। उसमें उसका मेन काम क्या है, तो बहुत सारे जो हेट्रोजीनियस सोर्स रहते हैं उसका डेटा एनालाइज करके आपको कुछ रिपोर्ट बनाने हैं जो सीनियर मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप BI को भी मिक्स कर सकते हो, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस को भी मिक्स कर सकते हो उनसे। बट उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, ये सब लोग संभ्रम में रहते हैं, सब लोगों को सवाल रहते हैं कि डेटा एनालिस्ट एक्चुअली क्या करता है, मींस व्हाट ही कैन डू, ही इज डूइंग ऑन डे टू डे बेसिस। सो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला, सो ये वीडियो एंड तक देखिए, जरूर आपको फायदा ही फायदा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, a data analyst plays a crucial role in extracting insights and information from the data to support decision making and business strategy. मैंने ये बोला था कि business analysis का mixture करके data दे के पूरा आपको business decisions easily ले सकते हैं आप, right? उसके लिए data analyst का role बहुत बहुत ज़्यादा important है। Their responsibilities include data collection. पहला responsibility रहेगा उसका data collection रहेगा, cleaning of data, analysis of the data and data visualization. Data visualization is most important thing nowadays. Here are some common roles and responsibilities of data analyst along with the examples. Okay. So, pehla kya hai uska role? Data collection and cleaning. As a data analyst, pehla role and responsibility kya rahega uska? Data collection and cleaning. Collecting the data from various sources such as databases. मैंने बोला था कि बहुत सारे हेट्रोजीनियस सोर्सेस से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है डेटा एनालिस्ट, जैसे कि ओरेकल रहेगा, PostgreSQL रहेगा, MySQL रहेगा, एक्सेल रहेगा, सबसे आपको डेटा कलेक्ट करना है। ओके, सच एज डेटाबेसेस, APIs, स्प्रेडशीट्स एंड एक्सटर्नल डेटा सेट्स। क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा टू इंश्योर इट इज एक्यूरेट। आपको डेटा आने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता, उसको क्लीन करना है, वो एक्यूरेट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, एनालिसिस के लिए रेडी है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको डेटा आएगा मल्टीपल सोर्सेस से, एक टारगेट रहेगा, वो टारगेट सिस्टम आप यूज कर रहे होंगे, लेट से ओरेकल सिस्टम एज अ टारगेट सिस्टम आप यूज कर रहे हो, सब डेटा ओरेकल में आ गया, तो वो प्रॉपरली क्लींस्ड है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, और रेडी फॉर फर्दर एनालिसिस है कि नहीं, ये देखना आपका काम है एज अ डेटा एनालिस्ट। Example for the same is extracting sales data from the company's database, removing duplicate records and correcting inconsistencies in product names. सब जो कुछ product names में duplicates है, तो आपका काम क्या है as a data analyst, वो duplicate remove करना और inconsistencies remove करना। Next is data analysis. So ये तो आपके role के description नाम में लिखा है data analyst. Who performs the data analysis? Okay, so performing exploratory data analysis to identify trends, patterns, anomalies within data. ये काम है data analyst का. Trends, patterns, anomalies within data देखना, ये data analyst का काम है. Applying statistical techniques to uncover insights and correlations in the data. Okay. इसका एक एग्जांपल देके रखा है मैंने, एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर डेटा टू आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स हैव द हाईएस्ट परचेस रेट ड्यूरिंग स्पेसिफिक रीजंस, स्पेसिफिक सीजंस। ओके, आपको समझो अगर बारिश का सीजन है, बारिश के मौसम में आपको क्या ज्यादा है, छाता चाहिए ज्यादा, आपको क्या चाहिए, रेनकोट्स चाहिए, तो वो डेटा एनालाइज करना, उसका ट्रेंड देख लेना, पैटर्न्स देख लेना, ये काम है डेटा एनालिस्ट। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। आपने डेटा एनालाइज कर दिया, आपके पास ही है वो पूरा, उसका क्या यूज, आप कैसे बताओगे, वो कैसे विजुअलाइज करोगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा एनालिस्ट का मेन काम है। क्रिएटिंग विजुअलाइजेशंस लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स एंड इनसाइट्स इफेक्टिवली। ओके, आपको इसके लिए बहुत सारे टूल्स आने चाहिए, जैसे कि टैब्ल्यू रहेगा, ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस रहेगा, पावर बीआई रहेगा, पाइथन लाइब्रेरीज रहेगी, जैसे मैटलैब वगैरह है, सीबॉर्न करके एक लाइब्रेरी है, वो है,
टू क्रिएट इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन. आपको वो डेटा प्रेजेंट कैसे करते हो, प्रेजेंट करना आना चाहिए डेटा. एक बार डेटा मिल गया वो नहीं है, उसके आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन. डिजाइनिंग अ डैशबोर्ड दैट शोज द की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लाइक रेवेन्यू, कन्वर्जन रेट्स एंड यूजर एंगेजमेंट ओवर टाइम. इससे आपके हायर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट खुश रहे. ओके, सो ये आपका मेन काम है डेटा एनालिस्ट का. रिपोर्ट जनरेशन, जनरेटिंग रेगुलर रिपोर्ट्स फॉर स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट टू हेल्प अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन. सो इसके लिए क्या करना है, आपको जो डैशबोर्ड बनाया है उसमें से कुछ डेटा फेच करके रिपोर्ट बना के आपको सीनियर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट को दे दी है. ठीक है, समराइजिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिजल्ट इन क्लियर एंड कंसाइज मैनर, ये एक डेटा एनालिस्ट का काम है. जैसे कि क्रिएटिंग मंथली रिपोर्ट्स फॉर द वेबसाइट ट्रैफिक, यूजर एंगेजमेंट, हाइलाइटिंग द चेंजेस इन द विजिटर डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर. आपका अगर कुछ चेंज आता है विजिटर डेमोग्राफिक्स में, बिहेवियर में, अगर आप वेबसाइट हैंडल कर रहे हो या आपकी कंपनी वेबसाइट हैंडल कर रही है, तो वो सब रिपोर्ट देना, रिपोर्टिंग करना डेटा एनालिस्ट का काम है. नेक्स्ट काम क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फॉर्मुलेटिंग टेस्टिंग हाइपोथेसिस टू वैलिडेट डिसप्रूव अजम्पशंस अबाउट द डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जर्व डिफरेंसेस. सो स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना आपको बहुत जरूरी है एज अ डेटा एनालिस्ट. ओके, और वो एनालिसिस करके आपको, वो टेस्ट करके आपको सीनियर मैनेजमेंट को बता देना है कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है और आप हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है नेक्स्ट. ओके, टेस्टिंग वेदर अ रीसेंट वेबसाइट रीडिजाइन लेड टू स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कन्वर्जन रेट्स, कन्वर्जन रेट्स बढ़ जाएगी कि नहीं, ये आपका एज अ डेटा एनालिस्ट काम रहेगा देखना. नेक्स्ट इज डेटा क्वालिटी एश्योरेंस. सो डेटा एनालाइज कर दिया आपने, डिस्प्ले कर दिया, सब रिपोर्टिंग दे दिया, उसके बाद क्या है, डेटा क्वालिटी मेंटेनेंस और क्वालिटी एश्योरेंस, मॉनिटरिंग द डेटा क्वालिटी एंड आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसीज एंड एरर इन द डेटा सेट्स. बहुत बार डेटा सब अच्छा लगता है हमें बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती. ओके, सो आपके रूल्स के हिसाब से भी बना रहता है. समझो 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करने, उसके नाम अलग अलग रहेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ को प्लस 1 करके वो डेटा एंटर करते हैं लोग, तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा है, गलत डेटा है. सो आपको गलत डेटा कैच करना आना चाहिए एज अ डेटा इंजीनियर, एज अ डेटा एनालिस्ट. एंड यू रिक्वायर टू कोलैबोरेट विद डेटा इंजीनियर्स एंड अदर टीम्स टू रिजॉल्व द डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज, और वो डेटा इंटीग्रिटी के जो इश्यूज आते हैं वो रिजॉल्व करने हैं आपको. नोटिसिंग इररेगुलरिटीज इन द कस्टमर्स एज डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग विद डेटा इंजीनियरिंग टीम टू करेक्ट डेटा एंट्री एरर्स. सो डेटा एंट्री में बहुत सारे एरर्स करते हैं लोग. ओके, कैसे भी डेटा एंटर करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये सब आपको कैचअप करना आना चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, बिल्डिंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स टू फॉरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड आउटकम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. प्रेडिक्टिव एनालिसिस मतलब क्या है कि आपको प्रेडिक्शन करना है हिस्टोरिकल डेटा का. क्या है, आज समझो आप अगर वेबसाइट में कुछ टी शर्ट सेल कर रहे हो तो वो आज इतना है, अगर फ्लिपकार्ट का सेल है और फ्लिपकार्ट आपका कॉम्पिटिटर है, ओके, 2-3 महीने बाद, तो वो ट्रेंड कम हो जाएगा, तो वो आपको आपके सीनियर मैनेजमेंट को बताना है कि ऐसा ऐसा सेल है और उसकी वजह से ट्रेंड कम हो जाएगा, वो है प्रेडिक्टिव एनालिसिस. इवैल्यूएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस, इटरेटिंग टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितना इम्प्रूव कर पाओगे वो देखना है आपको. आपको हिस्टोरिकल डेटा चेक करना है पूरा, पिछले साल जब फ्लिपकार्ट का सेल था तब अपना कितना सेल था, कितना गिरा हुआ था वो सेल या बढ़ गया था सेल, वो सब चेक करके आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस का रिपोर्ट देना है. नेक्स्ट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. सो कोलैबोरेटिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू प्रोवाइड डेटा ड्रिवन इंसाइट्स एंड गाइड स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन. सो बहुत सारे टीम्स रहते हैं, उसके साथ आपको बात करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, रिपोर्ट क्रिएट करने हैं और उनको डिसीजन देना है. पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट स्ट्रेटेजीज एंड रिसोर्स एलोकेशन इज ऑल्सो द वर्क ऑफ डेटा इंजीनियर. एग्जाम्पल फॉर द सेम इज presenting analysis results to marketing team to recommend targeted advertising strategies. आप targeted advertising strategies भी दे सकते हो, जैसे कि समझो आपका product जर्मनी में बहुत ज्यादा चल रहा है, okay? तो आपका कौन सा product जर्मनी में ज्यादा चल रहा है उसके ऊपर आप targeting ads देके वो revenue भी कमा सकते हो, right? Just like that. Next is continuous learning.
स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेटा एनालिसिस टेक्निक्स टूल्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स. आजकल देख रहे हो आप, हर रोज आईटी इंडस्ट्री में नया टूल आता है, राइट? सो वो आपको अप टू डेट रहना है. एक्सप्लोरिंग न्यू मेथड्स टू एनहांस डेटा एनालिसिस प्रोसेसेस इनसाइट्स, अटेंडिंग वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज टू लर्न अबाउट एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन यू कैन अप्लाई इट इन द डेटा एनालिसिस स्ट्रेटेजीज. ओके, तो ये आपका मेन काम है डेटा एनालिसिस का. तो ये काम वेरी होते रहता है कंपनी टू कंपनी, बट ये नो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करोगे तो 101% आप डेटा एनालिसिस का जॉब अच्छे से कर पाओगे. ये आप रिज्यूम में भी यूज कर सकते हो. आपको अगर डेटा एनालिसिस के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए है. आपको वो इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज मेरे से कभी भी बात कर लेना. complexsql@gmail.com पे मुझे मेल कर देना, मैं फ्री में दे दूंगा आपको ये सब. सो इन समरी, डेटा एनालिस्ट रोल इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड एनालाइजिंग विजुअलाइजिंग डेटा. ये डेटा एनालिस्ट का काम है. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन. थैंक्स, चीयर्स.